सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी बनान जा रहे हैं गुरुद्वारे लई लंगर। वीडियो एन तक जरूर वेखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो नू लाइक ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम बनाने जा रहे हैं 250 से 300 लोगों के लिए लंगर, जिसमें हमने 7 से 8 प्याज ले लिए हैं और उसे हमने लंबा लंबा काट लिया है। प्याज तो हमारे कट चुके हैं, साथ ही हमने 3 गिलास मटर को भिगो दिया है, उसके साथ ही 6 किलो चावल और 250 ग्राम सोयाबीन को अच्छे से पानी में भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। उसके साथ ही हमने 7 से 8 आलू काट कर उसे भी पानी में भिगो दिया है। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, जिसमें हमने डाला है 1/4 की घी की थैली। घी गरम होते ही अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे खड़े मसाले और उसे अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे खड़े मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी लंबी लंबी कटी हुई प्याज और उसे हल्की ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भुनने के लिए 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर छोड़ दीजिए। जैसे ही प्याज आपका हल्का ब्राउन होने लगे, अब हम इसमें डालेंगे अपने बारीक कटे हुए आलू और उसे भी साथ ही भून लेंगे। प्याज के साथ आलूओं को भी थोड़ी देर फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अपनी भीगी हुई सोयाबीन। सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे अपने भीगे हुए मटर। सारी चीज़ों को मिक्स कर अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 चम्मच नमक, चाहें तो आप स्वाद अनुसार 2 से 3 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 10 से 12 चम्मच नमक ठीक था। नमक डालने के बाद अच्छे से सब्जियों को रोस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 चम्मच लाल मिर्च के। लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 बड़े चम्मच धनिया पाउडर के। सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से हिलाकर रोस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। साथ ही इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच गरम मसाले के। सारे मसाले डालने के बाद सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें डालेंगे अपने भीगे हुए चावल। चावलों को धीरे धीरे तड़के में डालिएगा, जिससे आपके सारे चावल अच्छे से सब्जियों के साथ मिल जाएं। चावल डालने के बाद उसे साथ साथ हिलाते भी रहिएगा, जिससे आपकी सारी सब्जियां नीचे ना बैठी रहें, सब्जियां चावलों के साथ घुल जाएं। जैसे कि आपने देखा, हमने पहले थोड़े से चावल डाले थे, जिससे हमें करछी को हिलाने में दिक्कत ना हो। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी बचे हुए चावल। चावलों के अनुसार आप इसमें डालेंगे पानी। हमने बनाए थे 20 ग्लास चावल, जिसमें हमने डाला था 30 ग्लास पानी। लास्ट में इसमें कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसे ढक कर पकने दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा गुरु का लंगर तैयार है। जैसे ही हमारे पुलाव बनके तैयार हैं, इसमें हम ऊपर से हल्का सा गरम मसाला डालकर इसे ढक देंगे, ताकि गरम मसाले की खुशबू अंदर